फ्रेंड्स, मैं हूँ पिंकी और पिंकी की दुनिया में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। तो आज मैं आपका मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर के आई हूँ। एक्चुअली आप लोगों ने बहुत ज़्यादा किचन वाली वीडियो पे कमेंट किया था कि दीदी आप इतने सारे डब्बों में किस तरीके से अपनी ग्रॉसरी को स्टोर करके रखती हैं, वो आप हम लोगों को बताएं। तो आज मैं वही आप लोगों के लिए बताने वाली हूँ। और देखिए, यहाँ पर मैंने पूरी दुकान अपनी लगा करके रखी हुई है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और इसी के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और इसमें मैं ये आप लोगों को ये बताऊंगी कि बारिश के मौसम में या कोई भी मौसम हो, आप अपनी चीज़ों को किस तरीके से अच्छे से स्टील के डब्बों में स्टोर करके रख सकती हैं काफ़ी लंबे समय तक। कई कई घरों में ऐसा होता है हर महीने में राशन आता है, कई घरों में ऐसा होता है कि दो महीने में राशन आता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम छः महीने एक साल की दाल चावल इकट्ठा खरीद लेते हैं। तो उनको स्टोर करने के लिए हमें किन किन सुविधाओं या किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए किचन में खास करके, तो वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए, और इसके साथ कुछ ज़रूरी टिप्स भी दूंगी अपनी किचन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो सारा सामान आप लोग एक बार देख लीजिए कि सारा सामान मैंने किस तरीके से भरा है, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरीके से मैंने अपना सामान रखा हुआ है। और वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल वीडियो है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, एक बार आप लोग देख लीजिए कि मैं अपनी चीज़ों को किस तरीके से अपनी किचन में जो है स्टोर करके रखती हूँ। तो ये देखिए, आप लोग कुछ इस तरीके से देख लीजिए कि मेरा सामान मैं किस तरीके से रखती हूँ। और ये देखिए, ये जो है मैं अपने डब्बों में किस तरीके से अपना सामान रखती हूँ, एक बार मैं आपको ये दिखाती हूँ सबसे पहले। उसके बाद सबको एक एक करके आप लोगों को दिखाऊंगी कि आप लोग किस चीज़ को किस तरीके से रखिएगा। और अगर आप इस तरीके से मेरी ट्रिक यूज़ करके सामान को स्टोर करेंगी ना, तो रियली में आप कभी भी अपनी दालें वगैरह, चावल, आपका राशन का कोई भी सामान ख़राब नहीं होगा। जो सामान जिस चीज़ में रखने का है, मैंने उसी चीज़ में रखा है और उसी तरीके से रखा है। देखिए, सूखी चीज़ से लेकर के, मतलब मेरे पास सूखे वाले गर्म मसाले बहुत ज़्यादा हैं और हर तरीके का सामान आपको मिलेगा जो किचन में यूज़ होता है खास करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास ये वाले साइज़ के 12 डब्बे हैं। तो ये 6 किलो के डब्बे से लेकर के, ये देखिए सबसे छोटा डब्बा ये वाला है, तो ये वाले डब्बे तक है मेरा साइज़। इसके बाद में मेरे पास 12 डब्बे ये वाले साइज़ के हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से तीन तीन मैंने लगा करके रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो 12 डब्बे मेरे पास ये वाले साइज़ के हैं, 12 डब्बे मेरे पास वो वाले साइज़ के हैं। और इसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, इसके बाद में ये वाले जो डब्बे हैं ना मेरे, आप लोग हमेशा कमेंट करके पूछते थे कि दीदी आप ये खाली डब्बों का क्या करती हैं। तो एक्चुअली मैं ये खाली डब्बों को यूज़ करती हूँ। यूज़ किस तरीके से करती हूँ, ये देखिए, इनमें मैं दालें रखती हूँ अपनी, क्योंकि दालें जब ये ट्रांसपेरेंट चीज़ों में दिखती हैं ना, तो बहुत ही सुंदर लगती हैं। देखिए देखिए, कितनी प्यारी लग रही हैं हमारी दालें, ये देखिए लग रही है ना, बहुत खूबसूरत। तो इसीलिए मैं इनको ट्रांसपेरेंट डब्बे में रखती हूँ। तो ये देखिए, दालें हमारी बहुत सुंदर लग रही हैं। ये देखिए, ये सारे डब्बे जो हैं बच्चों के हॉर्लिक्स के खाली होकर के आते हैं ना, वो ये सारे डब्बे वही हैं, ये आप देख सकते हैं। और अब मैं शुरुआत करती हूँ आपको शुरुआत से दिखाने की कि मैंने किस चीज़ को किस तरीके से रखा हुआ है। ये देखिए, ये मैंने पिंकल को रखा हुआ है, पुंगे जिनको बोलते हैं, पापड़ और पुंगा, कुछ हाथ का बना हुआ पापड़ भी है इसमें। और पुंगे को इस तरीके से भर करके जो है, देखिए, मैंने सुखा करके इसको रख दिया है। और जब मैं इसका डब्बा बंद करूंगी, तो पॉलीथीन रैप को ऊपर से लगा दूंगी और इसके बाद इसका ढक्कन जो है बंद करूँगी। और इसके बाद में मैंने, देखिए, इसमें रखा है अपना चाउमीन और नीचे पास्ता भी रखा हुआ है। देखिए, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखिए पास्ता, माइक्रोनी पास्ता भी इसमें है और चाउमीन भी इसमें है। तो देखिए, चाउमीन के बंडल्स भी इसमें रखे हुए हैं। और इसके बाद में माइक्रोनी पास्ता भी मैं एक ही डब्बे में रखती हूँ, क्योंकि एक ही वैरायटी के चाइनीज़ आइटम हैं, तो मैं इसको अच्छे तरीके से इसी तरीके से स्टोर कर देती हूँ। तो देखिए, ये मेरा रिफाइंड ऑयल का कंटेनर है, इसमें मैं रखती हूँ, ये देखिए, ये जो दालें हैं हमारी एक्स्ट्रा बच जाती हैं ना, इनको मैं इसमें स्टोर करके रख देती हूँ। ये देखिए, सारी दालों को मैं कुछ इस तरीके से हमारी को रख दूँगी। ये देखिए, इस तरीके से दालें हो गई, साबुदाना हो गया, मूंगफली दाना हो गया, देखिए, ये देखिए,
तो जो एक्स्ट्रा बचता है ना दाल वगैरह, तो वो हमारी ख़राब नहीं होती हैं। और बाकी मैंने आपको बताया ही कि डब्बों में भर देती हूँ, और इसके बाद पैकेट वाला सामान मैं कहाँ रखती हूँ मैं आपको बताती हूँ। देखिए इसमें रखती हूँ मैं पैकेट वाला सामान, ये स्टील का जो है एक टंकी है मेरे पास, इसमें रखती हूँ मैं पैकेट वाला सामान, जैसे सिवई हो गया, ये देखिए गोलगप्पे हो गए, और जो खाने वाला नमकीन हो गया जिनको बच्चे खाते हैं, देखिए सेव हो गया, मतलब जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं उनको मैं इसमें भर करके रख देती हूँ। तो ये देखिए दोनों कंटेनर हमारे तैयार हो गए हैं। आप इस तरीके से घर का सामान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं ये कहूँगी कि इस तरीके से आप स्टोर करेंगी ना घर का सामान, तो बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से स्टोर रहने वाला। इनके कैप मैं ढक्कन आप लोगों को दिखाती हूँ, तो ये देखिए, ये देखिए, ये तो इसका ढक्कन हो गया, और इसके बाद में ये ढक्कन जो देखिए इसका हो गया, तो ये देखिए ये बिल्कुल एयर टाइट है। ये देखिए मैं आपको ऊपर से दिखाती हूँ, ये देखिए कुछ इस तरीके के हैं दोनों, ये देखिए। तो आप इस तरीके से रखिएगा, और जो बाकी पैकेट वाला सामान है मैं कैसे रखती हूँ वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ किस में रखती हूँ। तो देखिए इस सामान को रखने के लिए मेरे पास ये टोकरी है, ये देखिए ये कुछ इस तरीके की है, प्लास्टिक की बकेट, बकेट भी आप इसको बोल सकते हैं। ये देखिए मैं इसमें जो है अपना, दूर से मैं आप लोगों को दिखाती हूँ किस तरीके की है, ये देखिए कुछ इस तरीके की है। तो सारा सामान मैं अपना इसमें स्टोर करके रखती हूँ, कौन कौन सा रखती हूँ मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये देखिए जैसे कि नमकीन हो गया, बिस्किट हो गया, चिप्स हो गया बच्चों का, तो सबसे पहले मैं रखूँगी बिस्किट, क्योंकि बिस्किट ऊपर बहुत सारा है। तो देखिए इस तरीके से मैं इसमें भरती जाती हूँ, एक मिनट रुकिएगा, इधर रखती हूँ फिर इसमें रखती जाऊँगी। देखिए ऐसी बकेट है, और इसमें अब मैं ये सारे नमकीन के पैकेट वगैरह रखती जाऊँगी, जितने भी बनेंगे हमारे सारे रख दूँगी। देखिए हमारे नमकीन पैकेट रख दिए मैंने, बिस्किट्स रख दिए, गुलाब जामुन पैकेट रख दिया इसमें, और जो हमारे च्यवनप्राश हैं वो रख दिए, है ना। इसके बाद गरम मसाले मैंने सारे रख दूंगी इसमें, सोन पपड़ी रख दूंगी, देखिए सारे सूप रख दूंगी इसी में, और इसके बाद में इसी में मैं मैगी डाल दूंगी, इसी में मैं चाय डाल दूंगी। देखिए ये देखिए इस तरीके से मैं इनमें भर देती हूँ सामान को। देखिए ये सामान रखने का हमारा बहुत अच्छा तरीका है। एक पैकेट और देखिए, हमारी बकेट जो हो गई है फुल हो गई है, देखिए बिल्कुल, और इसका कैप तो लगने वाला है नहीं, आपको पता ही है। और अभी जो है काफ़ी सामान यहाँ पर बचा हुआ है, ये देखिए, ये देखिए, तो ये वाली बकेट भी हमारी फुल हो गई है, ये देखिए सारी फुल हो गई है। देखिए तो मैं इस तरीके से रखती हूँ ये वाला सामान, और ये बाकी जो बचा हुआ है ये भी मैं रख देती हूँ, तो सारा कुछ रख देती हूँ, फिर इसके बाद में मिलती हूँ। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको अपना स्टोरेज बता दिया कि मैं किस तरीके से स्टोर करती हूँ सामान को, और चीज़ें बताना है कि जो चीज़ें बची हुई हैं उनको हम लोग बड़े कंटेनर में किस तरीके से यूज़ करें, तो किस तरीके से रखें वो मैं आप लोगों को बताऊँगी। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए अभी मैं करती हूँ वीडियो का एंड। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मेरे चैनल पर, और सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाया है। तो चलिए अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरीके से बनाए रखिए, अभी के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो देखिए सामान जमाने के बाद कुछ इस तरीके का लग रहा है मेरा किचन, कैसा लग रहा है आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखिए पूरी साफ़ सफाई होने के बाद में कुछ इस तरीके का मेरा किचन लगता है। अगर आपने किचन वाला मेरा वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर जा करके देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आई बटन में आपको उसका दिखेगा लिंक, आप उस पर क्लिक कीजिएगा और वहाँ पर पहुँचिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा सब्सक्राइब करने के साथ साथ, ताकि मेरा इसी तरीके का नया वीडियो आप लोगों को मिल पाए। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।